हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड एनुअल करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज में इसका सिक्स्थ पार्ट। इससे पहले हमने ऑलरेडी कितने पार्ट्स कवर कर लिए हैं? हमने ऑलरेडी पार्ट जो कवर कर लिए हैं वो है 5 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हम सिक्स्थ पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमने टोटल डिस्कस कितने किए हैं क्वेश्चन, तो 252 यहाँ से 253 से लेकर के आगे तक लगभग 320 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 800 एमसीक्यू ये सीरीज है, तो इसको हम शुरू करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। बीपीएससी 67 क्रैश कोर्स है, ₹2000, एचपीएससी, यूकेपीएससी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इन कोर्स के अंतर्गत। तो ये सारे मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। उसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन भी हम कर रहे हैं साथ में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फैकल्टीज से बिल्कुल बात कर सकते हैं, फोन पे, मैसेज पे, जैसा भी आपको कन्वीनियंस हो। ठीक है, ये एचपीएससी का है, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर, सी सेट फॉर पीएससी। उसके अलावा ये क्राउन जीके, लुसेंट, ये सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। तो आपको कोई भी कोर्सेज इनमें से चाहिए तो आप बेहिचक हमें मैसेज कर सकते हैं 9598875847, और यू कैन कॉल ऑल्सो। साथ ही साथ अगर ये ना लगे तो आपके पास एक और नंबर है 9582062485। तो ये दो नंबर हैं, इन पे से आप किसी पे भी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट आर टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है 253 क्वेश्चन। इससे पहले हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि 252 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया हुआ है। 253rd क्वेश्चन है, ऑन हूज बर्थडे इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 14th of November। हर साल 14 नवंबर को किनके बर्थडे के मौके पे वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है फ्रेडरिक बैंटिंग के बर्थडे के मौके पे। फ्रेडरिक बैंटिंग कौन थे और उनके बर्थडे पे वर्ल्ड डायबिटीज हम क्यों मनाते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह जिसको कहते हैं, बहुत लोग शुगर भी कहते हैं। तो फ्रेडरिक बैंटिंग ने दो और लोगों के साथ मिलकर के डिस्कवर किया था इंसुलिन को, तो इनके ही बर्थडे पे मनाते हैं हम वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर। तो भाई किनके जन्मदिन के मौके पे हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। तो हम मनाते हैं भाई 14 नवंबर को मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के मौके पे। उसके बाद रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल किनको बना दिया गया है अभी हाल ही में? तो भाई साहब ये बना दिया गया है पीसी मोदी साहब को। किने? पीसी मोदी साहब को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैश, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-20। देखिए, हर जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, चाहे जितने भी फाइनेंशियल एजेंसीज हो, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज हो, वो क्या करते हैं कि हर कंट्री का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक क्या ग्रोथ होने वाला है, माइनस में, प्लस में, वो बताते हैं। तो गोल्डमैन सैश ने क्या बताया है कि भाई इंडियन जीडीपी जो है, इंडियन इकोनॉमी, इसके इसका जो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट रहने वाला है ना 2021-22 में, वो कितना 9.1% रहने वाला है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द पार्ट ऑफ द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सब मरीन डिफेंस अलायंस विद द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिफेंस अलायंस बना है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर से लैस रहेगा ये सबमरीन। तो इस डिफेंस अलायंस में किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है? विथ यूके एंड यूएसए। तो यूके और यूएसए के साथ यहाँ पे जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल्ला हैमडॉक हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अब्दुल्ला हैमडॉक किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए, रीअपॉइंट कर लिया गया, यानी कि पहले भी ये थे प्राइम मिनिस्टर लेकिन अभी फिर से बन गए हैं। तो ये बन गए हैं भाई सूडान के, कहां के बन गए, सूडान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब्दुल्ला हमदोक। अगर सूडान के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो सूडान भाई कहां पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है ये कंट्री सूडान, ठीक है। इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका खारतूम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? देखिए, हम कैपिटल और करेंसीज क्यों मतलब ये करके चलते हैं, हमेशा डिस्कस करके चलते हैं जब भी कोई कंट्री खबर में आती है, बिकॉज वो करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है ना, जिस कंट्री के बारे में। जैसे यहाँ पे पूछा कि भाई प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमडॉक रीअपॉइंट कर दिए गए हैं, आपसे पूछ ले कि भाई सूडान के कर दिए गए हैं, आपको ये भी आंसर में दे दे, फिर आपसे पूछ ले कि भाई ठीक है सूडान का तुम बता दो कैपिटल क्या है या सूडान की करेंसी क्या है। तो इसीलिए ये हम इसको करके चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा कैपिटल कंट्री और कैपिटल करेंसी का जो पोर्शन है ना वो भी कवर होता हुआ चलेगा साथ ही साथ, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो
सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम, स्पेलिंग KHARTOUM। बात करें इसके करेंसी की तो करेंसी इसका है सूडानीज पाउंड, सूडानीज पाउंड, सूडान का पाउंड, ठीक है, सूडानीज पाउंड। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB। बहुत ही चर्चा में रहता है आजकल, जब से सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ उसके बाद एनसीबी काफी चर्चा में रही और अभी तक चर्चा में है। हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी को ये पकड़ती रहती है। तो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बना दिए गए हैं? तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं सत्यनारायण प्रधान। कौन बन गया भाई? सत्यनारायण प्रधान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौन से चेस प्लेयर इंडिया के 72nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर देखिए, अभी जो रिसेंट ग्रैंड मास्टर की बात करें ना, तो 73rd तक ग्रैंड मास्टर, वेट अ सेकंड, 73rd ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंट ग्रैंड मास्टर है। यहाँ पे हमें 72nd बोल रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्ट बन रहा है, ये जो MCQ है ना, नवंबर का पार्ट बन रहा है। तो नवंबर में बने थे कौन 72nd? वो बन गए थे भाई मित्रभा गुहा। और मैंने थे मित्रभा गुहा। वहीं पे बात करें 73rd की, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था करंट, सॉरी MCQ में ही, तो 73rd बने हैं भाई। अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये किया है भरत सुब्रमण्यम, बन गए हैं 73rd। कौन? भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री FWD Clark हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। FWD Clark, इनकी मृत्यु हो गई है, 85 वर्षीय ये थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये थे साउथ अफ्रीकन फॉर्मर प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 नवंबर को। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ड्रग के लिए जो पॉलिसीज हैं, ड्रग देखिए, ड्रग का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। ड्रग का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है। इफ ड्रग इज यूटिलाइज्ड फॉर द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, दैट ठीक है, इसी के लिए ड्रग है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम बूजिंग के लिए कर रहे हैं, नशे के लिए कर रहे हैं, दैट दिस इज अ वेरी बैड थिंग। तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज होती है। तो इस पॉलिसीज में, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, कितना स्ट्रिक्ट पॉलिसी, कितना लिबरल पॉलिसी किस कंट्री का है, उसकी अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का रैंक कितना था। तो इंडिया का रैंक था इसमें 18th रैंक था। ओके नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील्स। इंडिया का पहला साइबर तहसील। देखिए, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए आजकल, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गया है आजकल, है ना, अलग अलग लोगों को फोन करके उनके ATM से पैसा उड़ा ले जा रहे हैं, कुछ चीजें लीक हो जा रही हैं, वायरल हो जा रही है प्राइवेट चीजें। तो इन सबको रोकथाम के लिए पहला, इंडिया का पहला साइबर तहसील कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द फेमस एक्ट्रेस ऑफ विच फिल्म्स कोझिकोड शारदा हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। तो अभी हाल ही में कोझिकोड शारदा, जो कि एक एक्ट्रेस थी, 84 ईयर्स की थी, किस फिल्मों से जुड़ी थी, किस लैंग्वेज के फिल्मों से जुड़ी थी, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। तो ये जो जुड़ी थी, मलयालम फिल्मों से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द फाइजर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 11। तो 5 से 11 साल के जितने बच्चे हैं उन पर फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसको किसने अप्रूव कर दिया है? फाइजर वैक्सीन रिलेटेड टू कोरोना, राइट? फाइजर एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इतना याद रखिएगा। तो ये अप्रूव करने वाला देश है भाई कौन? अमेरिका। नेक्स्ट है, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द स्टेट्स फाउंडेशन डे फ्रॉम 1st of November टू व्हाट। तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने अभी अपना स्टेट का फाउंडेशन डे 1st of November से बदल करके कब कर दिया है? तो ये कर दिया है 18th जुलाई को, यानी कि अब वो 18th जुलाई को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, विच वर्ड हैज रिसेंटली बिकम द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021। 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? और ये हमने जब वन लाइनर्स किया था ना, तभी भी हमने इसको कवर किया था। तो वैक्स को इन्होंने किया है वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर, किसने? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मैंड ओशन मिशन समुद्रयान हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। इंडिया का पहला मैंड ओशन मिशन है, यानी कि मानव उसमें रहेगा, उपस्थित रहेंगे। ओशन मिशन है, इसका नाम है समुद्रयान। तो
कहाँ पे लॉन्च किया गया है, हमसे ये पूछ रहे हैं, तो ये लॉन्च किया गया है भाई चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली अफगान प्लेयर अशगर अफगान हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट, विच स्पोर्ट इज ही रिलेटेड टू। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के एक प्लेयर ने, जिनका नाम है अशगर अफगान, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो ये किस खेल से, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट है, और ये अफगानिस्तान जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट टीम, उसके ये कैप्टन थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ NCRB, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर कमिटिंग सुइसाइड एवरी डे इन द कंट्री? ठीक है, अगर NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इनकी माने, इनकी बात समझे, तो ये क्या कह रहे हैं? NCRB कह रही है कि हर दिन इंडिया में कितने बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं भाई, चिल्ड्रेन सुइसाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रेशर हो सकता है चिल्ड्रेन पे, अगर हमें हो सकता है एज अ पेरेंट हमें नहीं पता चलता है। एक्चुअली मैं तो पेरेंट नहीं हूँ, मैं भी तो भाई बच्चा ही हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे जनरेशन जो पेरेंट बन चुके हैं, उनको भले ही एहसास ना हो कि उनके बच्चे, उनको लगता है कि बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बस बहुत बढ़िया होगा, बट मेंटल इशूज़ किसी को भी हो सकता है। मेंटल इशूज़ का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा पागल है, इस बात को ना, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेंटल इश्यूज डजंट मीन दैट पर्सन विल बिहेव लाइक अ इनसेन पर्सन, लाइक अ क्रेजी पर्सन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जो आदमी बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है, बहुत हंस के मिल रहा है आपसे, हो सकता है आप सुने कि कल उसने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मेंटल इशू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस आजकल के टाइम में, तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। और NCRB के हिसाब से बच्चे हर दिन कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो हर रोज 31 31 चिल्ड्रेन आर कमिटिंग सुसाइड, तो ध्यान देने की तो जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। आपका बस इतना पूछना है, उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। एंड प्लीज मेक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर और व्हाटएवर, आपके बच्चे जो भी हैं, ठीक है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखिए यार। मतलब थोड़ा जानने को तो मिले कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनसे पूछिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020? किस कंट्री ने टॉप किया है एनर्जी, सॉरी सॉरी सॉरी, किस स्टेट ने टॉप किया है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स? मतलब वहां पे एनर्जी एफिशिएंट है, लाइक वो अपन इतना एनर्जी वो कर ले रहा है प्रोड्यूस की अपने लिए, उनके लिए काफी है, ठीक है, ऊर्जा। तो ये भाई टॉप किया है कि इन्होंने टॉप किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फीमेल प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2021? अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किन्होंने जीता है? तो ये जीता है लॉरा डेलानी ने, लॉरा डेलानी ने। देखिए, आपको ये क्वेश्चंस मे भी पूछ सकता है, क्योंकि ICC ने रिसेंटली प्लेयर ऑफ द मंथ भी घोषित करना शुरू किया है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का आपको एक बार देख लेना है, अगर आपको नहीं देखने का माने, गूगल नहीं करने का माने, तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं, स्पीडी एनुअल करेंट अफेयर्स वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर? ये तो थी फीमेल प्लेयर, तो भाई मेल किन किन को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेल कैटेगरी में? तो ये मिला है आसिफ अली को, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के नए चीफ किन्हें बना दिया गया है? तो ये बनाया गया भाई, कि नहीं, ये बनाया गया है आर हरी कुमार को, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज गॉट द टॉप पोजिशन इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिसेंटली? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लिस्ट जारी की है, एक क्या लिस्ट का नाम क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडेक्स जारी किया है। तो इसमें किस स्टेट ने टॉप पोजिशन हासिल किया है? तो टॉप पोजिशन हासिल करने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज अपॉइंटेड सिंगर म्यूजिशियन एक्टर जुबिन गर्ग फॉर फ्रॉम असम एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट? तो भाई ये एक आसामीज सिंगर है, म्यूजिशियन है, एक्टर भी है, नाम है इनका जुबिन गर्ग, असम से बिलोंग करते हैं, तो असम के किसी बैंक ने इन्हें क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है स्टेट के लिए उस बैंक ने। तो भाई उस स्टेट बैंक के लिए, आई मीन, तो कौन से ये मतलब कौन सा बैंक है वो आपसे ये पूछ रहे हैं, तो बैंक है बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करें तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, इतना भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द फोर्थ स्कॉर्पिन सबमरीन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75, ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम? स्कॉर्पिन सबमरीन हैंडओवर किया गया है इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 75 के तहत,
इस सबमरीन का नाम क्या है? तो इस सबमरीन का नाम है वेला, ठीक है, वेला नहीं वेला। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई? यूएई में इंडिया का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि इंडिया की तरफ से वो वहां पे क्या बन के जाएंगे भाई, एम्बेसडर, राजदूत बन के जाएंगे। तो ये अभी अपॉइंट कर दिया गया है संजय सुधीर को, किन्हें? संजय सुधीर को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फेमस एक्टर ऑफ विच फिल्म पुनीत राजकुमार हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 46? तो भाई ये पुनीत राजकुमार साउथ इंडियन फिल्मों के बहुत ही चर्चित अभिनेता थे, साथ साथ चैरिटी वर्क्स बहुत करते थे, तो वहां पे इनकी फॉलोइंग बेस बहुत अच्छी थी, भगवान की तरह लोग इन्हें पूछते थे। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या 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 पूछ रहे हैं, विच फिल्म, हाँ विच फिल्म किस फिल्मों से ये बिलोंग करते थे? पंजाबी, हरियाणवी नहीं, मराठी नहीं, कन्नड़ा फिल्मों से ये बिलोंग करते थे, ठीक है, किन फिल्म से? कन्नड़ा फिल्मों से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस? पहली चाइनीज वुमेन बन गई है, याद रखिएगा, पहली चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट जो वॉक करेंगी कहाँ पे, स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो ये बन गई है कौन? ये बन गई है वांग यापिंग। इनका नाम क्या है? वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो ये किया जाता है भाई 7th of November को, ठीक है, कब? 7th of November को। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वॉन द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2021? बुकर प्राइज किन्हें मिला है 2021 के लिए? तो ये मिला है डैमोन गैलगट को, किन्हें? डैमोन गैलगट को। तो डैमोन गैलगट को इनके नोवेल द प्रॉमिस के लिए मिला है बुकर प्राइज। इनके नोवेल का नाम भी पूछ सकता है, बुक का नाम पूछ सकता है, तो बुक का नाम है क्या? द प्रॉमिस। ओके ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF का नया चीफ किन्हें बनाया गया है? तो CISF का नया चीफ अभी बना दिया गया है शील वर्धन सिंह को, किन्हें? शील वर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, On whose birth anniversary National Education Day is celebrated every year on 11th of November all over India? किनके birth anniversary के अवसर पे पूरे इंडिया में National Education Day यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अबुल कलाम आजाद के birth anniversary के अवसर पे। और अबुल कलाम आजाद की बात करें तो आजाद इंडिया के आजाद भारत के पहले क्या थे ये? पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, तो इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड श्रमिक मित्र योजना? श्रमिक यानी कि जो मजदूर हैं, जो वेज वर्कर्स हैं, मित्र योजना, उनके हितों के लिए को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। फॉर द वर्कर्स एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। तो भाई किस स्टेट की ये योजना है? तो ये योजना है दिल्ली सरकार की, ठीक है, दिल्ली श्रमिक मित्र योजना फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली संकल्प गुप्ता हैज बिकम विच ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो अभी हमने बात की 72nd बन गए थे भाई, कौन 72nd बने थे? मित्रभा गुहा। 73rd बने थे भरत सुब्रमण्यम। और ये पूछ रहे कि संकल्प गुप्ता कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भाई ये बन गए हैं हमारे, कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर? ये बन गए हैं 71st, 71वां, है ना? तो आपको तीनों याद हो गया, 73rd, 72nd एंड 71st। तो कौन कौन बन गया है? 73rd भरत सुब्रमण्यम, वेट, भरत सुब्रमण्यम, 72nd मित्रभा गुहा एंड 71st संकल्प गुप्ता, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू CMD ऑफ PTI इंडिया? PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया है भाई, किन्हें? ये बना दिया गया है राजीव कुमार मिश्रा जी को, कि ना, राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द BCCI एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? BCCI ने हेड कोच किन्हें बना दिया गया? तो किन्हें बना दिया? राहुल द्रविड़ को बना दिया। इनसे पहले कौन थे? कपिल देव क्यों बोल रहा हूं मैं, रवि शास्त्री थे। अच्छा, रवि शास्त्री का नाम सुनते ही लगता है मेरे को नशा सा हो गया था, इसलिए मैंने कपिल देव बोल दिया, रवि शास्त्री। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड हुरून इंडिया रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, हुरून काफी बार पूछा जाता है, फॉर द ईयर 2021 हु हैज बिकम द बिगेस्ट डोनर कौन है भाई इंडिया में, अगर हम बात करें हुरून की, तो हुरून के अनुसार तो ये है अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक है, याद रखिएगा, विप्रो के चेयरमैन है।
नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उत्तम बीज पोर्टल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स टू द फार्मर्स, किसानों को उच्च कोटि का सीड प्रदान करने के लिए, बीज प्रदान करने के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ बार्क्लेज बैंक, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो बार्क्लेज बैंक का जो सीईओ बना है एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन बने हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सी एस वेंकट कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी यूसुफ हुसैन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। हु वॉज ही? फेमस पर्सनैलिटी थे, नाम था इनका यूसुफ हुसैन, 73 ईयर्स के थे यानी कि 73 वर्षीय थे। कौन थे ये, इनमें से क्या थे ये, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से ये क्या थे, इनमें से ये थे एक्टर। क्या थे? एक्टर थे। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ऑफ नवंबर एवरी ईयर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1st of November को। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके नए चेयरमैन किन्हें बना दिया गया है? तो इनका नया चेयरमैन बने हैं अशोक भूषण जी। नेक्स्ट है, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च इजी एंड प्रीमियम वेरिएंट्स ऑफ बीओबीज क्रेडिट कार्ड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए, इजी एंड प्रीमियम वेरिएंट्स को लॉन्च करने के लिए बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो इन्होंने पार्टनरशिप किया है एनसीपीआई के साथ। किनके साथ? एनसीपीआई के साथ। NCPI बोले तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस कंट्री में खेला जाएगा? तो ये भाई खेला जाना है कतर में। ठीक है, कहां पे? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्लेटो फुटवेयर ब्रांड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किस इंडियन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई जो इंदिरा गांधी के गुंडे है ना, राहुल द्रविड़, इनको ही इन्होंने क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8th of November को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये ब्लर्ड रह गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, बट इतना तो है विजिबल, दिख जाएगा आपको, है ना। रिसेंटली द रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग हाउ मेनी लैंप्स साइमल्टेनियसली इन अयोध्या हैज बीन रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज की स्पेलिंग आई थिंक ये गलत है, GUINESE, गिनीज यही होता है ना, लगता है मैं भी गलत लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा गिनेज, GUI तो होता है NNESS, यप, गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसमें अयोध्या में कितने ज्यादा साइमल्टेनियसली कितने लैंप्स जलाए गए हैं भाई एक ही दिन में, कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो अगर हम बात करें कितने लैंप्स जलाए गए, कितने दिए जलाए गए, लैंप्स जलाए गए, तो ये जलाए गए भाई इतने, क्या है, 941,551। ओ माय गॉड। नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए लैबोरेटरी बीन स्टार्टेड? इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए लैबोरेटरी स्टार्ट किया गया, वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए, ऐसे थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, उनके डीएनए को कंजर्व करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये लेबोरेटरी शुरू की गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ पे शुरू की गई है, ये बताइए। तो ये शुरू किया गया है नागपुर में। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन स्कीम टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन लेवल को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फ्री एजुकेशन स्कीम, मतलब मुफ्त शिक्षा? शिक्षा तो भाई मुफ्त होनी चाहिए, हेल्थ भी मुफ्त होना चाहिए, राइट? तो ये किया है हरियाणा के गवर्नमेंट ने, अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, और हर स्टेट गवर्नमेंट को इनसे कुछ सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बनी बुफेलो? बनी बुफेलो यानी कि एक भैंस जो कि टेस्ट ट्यूब में, इसको क्या किया गया है भाई, इसको
जीवित किया गया है, इसको धरती पे लाया गया है बनी बुफेलो को। तो ये रिसेंटली कहाँ पे इसका जन्म हुआ, यानी टेस्ट ट्यूब बुफेलो का, टेस्ट ट्यूब बेबी का तो नाम सुना था, तो टेस्ट ट्यूब ये काफ इसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो आया कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाया गया, मतलब किस कंट्री के द्वारा इसको घोषित किया गया। तो ये जो घोषित करने वाला देश है वो है इसराइल। ठीक है, इसराइल की अगर बात करें तो इसके कैपिटल जेरूसलेम है, और नफ्ताली बेनेट यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इशाक हरजोग यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। साथ ही साथ इसराइली जो है मुद्रा, ये यहाँ का क्या है, शेकेल, क्या है, शेकेल यहाँ की मुद्रा है, शेकेल। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड अ ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021। तो कोंकण शक्ति 2021 2021 एक जॉइंट एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया और किस कंट्री के साथ ये हुआ है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया है, तो ये किया है यूके के साथ मिलकर के, कोंकण शक्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द आर्मी ऑफ विच कंट्री अरेस्टेड इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड ओवर थ्रू द गवर्नमेंट एंड टुक कंट्रोल इन इट्स ओन हैंड्स। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, तो ऐसा करने वाला है सूडान। अभी सूडान की हमने बात की, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ओवर थ्रो कर दिया है भाई, वहां से मतलब गद्दी से हटा दिया है, और यहाँ की आर्मी ने क्या किया है, मतलब अरेस्ट कर लिया है। तो ऐसा जब हो जाता है तो क्या होने लगता है भाई, वहाँ पे तानाशाही बढ़ने लगती है, ऑटोक्रेसी बढ़ने लगती है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द ईयर 2060। 2060 तक किस कंट्री ने ये टारगेट किया है कि भाई हम जो कार्बन एमिशन है ना उसको रोक देंगे और जीरो कार्बन एमिट हम करेंगे, या ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे जिससे पर्यावरण को खतरा नहीं होगा। तो ऐसा अनाउंस किया है कि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है सऊदी अरेबिया ने। उसके बाद है, विच कंट्रीज ऑपोजिशन लीडर एंड पॉलिटिकल प्रिजनर एलेक्सी नावेलनी हैज बीन अवॉर्डेड द शखरोब प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए शखरोब प्राइज एलेक्सी नावेलनी को दिया गया, जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, यानी कि अपने देश हित में इन्होंने कुछ काम करते हुए इनको कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाई ये पूछ रहे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं रशिया से। ठीक है, रशिया से। नेक्स्ट है, विथ व्हाट थीम वर्ल्ड पोलियो डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 24, 2021। 24 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग फॉर 2021। लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आई है तो उसमें इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक क्या रहा था? इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक रहा था 106। क्या रहा था? 106, और बेल्जियम पहले पोजीशन पे थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली एट विच प्लेस द इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑफ शोर सेलिंग बोट रेस टू सेलिब्रेट द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी का अमृत महोत्सव हमने बार बार बात की है, तो 75 ईयर्स हमने पूरे कर लिए अपने आजादी को, और 25 सालों में 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 तक हमारे आजादी के। इसीलिए ये जो 25 साल है ना रिमेनिंग, इसको हम आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। तो इंडियन नेवी ने एक ऑर्गेनाइज किया था, क्या किया था? ऑफ शोर सेलिंग बोट रेस। तो कौन से प्लेस पे किया था, कहाँ पे किया था हमसे ये पूछ रहे हैं। तो ये किया था कोच्चि से गोवा तक के लिए रेस चली थी, कोच्चि टू गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। जितने भी पोलिंग स्टेशन है ना, पोलिंग बूथ है, उनके डिजिटल मैपिंग के लिए, उन पे ध्यान रखने के लिए डिजिटली इलेक्शन कमीशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है गरुड़ा। क्या नाम है इसका? गरुड़ा। नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया गया 23 अक्टूबर को। रिसेंटली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज
एंटर्ड इनटू बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, ये क्या हो गए हैं, इंटर इन्होंने किया बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए. बैंक इंश्योरेंस कैसे कहते हैं, जब कोई बैंक इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करने लगती है तो उसे कहते हैं बैंक अश्योरेंस. तो किस बैंक के साथ मिलकर के भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस क्या करेगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी. तो किन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, तो इन्होंने किया है पार्टनरशिप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द रिपब्लिक रिमूविंग क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट. यहाँ पे अभी तक क्वीन थी, अभी तक मोनार्की थी, और क्वीन एलिजाबेथ यहाँ की हेड ऑफ द स्टेट थी. इनको हटा करके यहाँ पहला प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा विद द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स. तो किस कंट्री ने यहाँ पे रिपब्लिक बहाल करने का, गणतंत्र बहाल करने का सोचा है और पहला प्रेसिडेंट यहाँ पे ये लेकर आ रहे हैं. तो अगर हम बात करें उस कंट्री की, तो कंट्री का नाम है बार्बाडोस. कंट्री का नाम क्या है, बार्बाडोस. बार्बाडोस की कैपिटल कहाँ है, ब्रिज टाउन, बहुत ही चर्चा में रही थी. और बार्बाडोस का जो पैसा है, आई मीन करेंसी है, वो बार्बाडोशियन डॉलर है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डेट डिड इंडिया कंप्लीट 100 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन अबाउट 9 मंथ्स सिंस द लॉन्च ऑफ अभियान. तो 100 करोड़ डोज पूरा कर लिया है इंडिया ने कोविड-19 का टीका देने के 9 महीने में ही. ठीक है, तो किस डेट को ये टारगेट अचीव हो गया, तो ये टारगेट अचीव हो गया 21st ऑफ अक्टूबर को. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक रहा था 71st. नेक्स्ट इज व्हाट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल टू इंडिया. रशियन फिल्म फेस्टिवल टू इंडिया, या इनकी जो इंडिया में होने वाले रशियन फिल्म फेस्टिवल, उनका एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है. तो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को, इंडियन फिल्म डायरेक्टर है इम्तियाज अली. बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई है, लाइक जब वी मेट, उसके अलावा हाईवे वगैरह इन्होंने बनाई है. उसके बाद है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ 60-डे स्टेट ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू द इंक्रीज इन वायलेंट ड्रग क्राइम्स. किस कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है 60 दिन का स्टेट ऑफ एमरजेंसी, किस लिए, किस वजह से, इंक्रीज इन वायलेंट ड्रग क्राइम्स. तो ड्रग के वजह से वायलेंस हो रहा था वहां पे, क्राइम्स हो रहे थे, तो 60 दिन का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है. और इसमें क्या करेंगे, वो इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे चीजें खराब हो रही हैं, और इनको मतलब मैनेज करने की कोशिश करेंगे. तो ऐसा करने वाला कंट्री कौन बन गया है, ऐसा करने वाला कंट्री बन गया भाई इक्वाडोर. कौन, इक्वाडोर. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हियर. और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि क्या होने वाला है, आज मैं मोस्ट प्रोबली एक और वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि कल एक वीडियो मैंने नहीं लाया था और बहुत लोगों का एग्जाम 10th ऑफ ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च. हाँ, मार्च से पहले ही है, मतलब 10th तक है. तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये जो 800 MCQ ना, कम से कम मैं 500-600 तो करवा दूं कम से कम, ताकि सही रहे. ठीक है, और वैसे भी हम तो इस कैसे चल रहे हैं, हम ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो पहले दिसंबर का हमने किया, फिर ये नवंबर हो रहा है, अक्टूबर हो रहा है, ऐसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एमसीक्यू जा रहा है. तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आपको जो करंट है ना वो पहले मिल रहा है, और वो बाद वाला बाद में मिलेगा. तो बाद वाला पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, नया वाला ज़्यादा पूछे जाने का चांस रहता है. तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, अगर आपने 800 में से 600 भी कर लिया ना, तो दैट्स इनफ. ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश में. और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी किनकी, महात्मा बुद्ध की. ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु यहीं पे हुई थी, मल रिपब्लिक में हुई थी कुशीनगर. ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि बुद्धिस्ट के लिए माने तो बुद्धिस्ट के लिए एक सैक्रेड स्थल ये हो गया, इसके वजह से यहाँ पे इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू किया गया, ताकि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है ना उसको भी बढ़ावा दिया जा सके. जो भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट है, वो यहाँ पे आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी हम मोस्ट प्रोबेबली शाम तक एक और वीडियो में लेकर आऊंगा. अभी हमने 320 नंबर क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, 800 में से 320 हमने कवर कर लिया है. तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहां तक हमारा साथ दिया. साथ ही साथ जो कोर्सेज के बारे में मैंने बताया था, इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी ऑफ दीज कोर्सेज, यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट अस ऑन दिज नंबर्स. साथ ही साथ और क्या, हाँ, साथ ही साथ ये बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का,
व्हाट्सएप ग्रुप का, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप हमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक हमारा प्लस इंस्टाग्राम लिंक हमारा दोनों डिस्क्रिप्शन में है, तो गो देयर एंड लाइक एंड फॉलो अस ओवर देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज टेक केयर।